चैत्य भाई, इंडियन करेंसी और इंडियन कॉइन के बारे में आप बताइए, टाइप्स और उसका कैसे आविष्कार हुआ। ओके, फर्स्ट एशियन टाइम की हम बात करते हैं। एशियन टाइम तब ना कोई कॉइन्स थे, ना तो कोई नोट्स थे, तब एक ही चीज थी उन्हें लेने के लिए लेते थे, वो एक्सचेंज करते थे। यानी कि अगर मेरे पास दो बुक्स है और उसके पास चार पांच बुक्स है, तो हम उसे एक्सचेंज करते थे उनमें। बट उसे एक प्रॉब्लम होती थी कि उसे मेजर करना पड़ता था कुछ चीज़ों को, जैसे शुगर, ऐसे चीज़ों को मेजर करना पड़ता था, और वो हार्ड भी था। तब चीज़ तो थी मेजर करने के लिए, और तब बहुत मुश्किल था मेजर करने के लिए। तब कॉइन्स का इन्वेंशन हुआ, और जब इंसान, और फिर एक और बार तकलीफ हुई कि जब लोगों को दूसरे देश जाना पड़ता था, तब उन्हें महीनों लग जाते थे, उसमें कॉइन बहुत भारी होता था, उन्हें पूरा बैग लेके जाना पड़ता था, जिसके कारण उसके बाद नोट के आविष्कार हुए। नोट उसके बाद यूज होने लगे। उसके बाद आया रोमन टाइम। रोमन टाइम में सॉल्ट एज करेंसी माना जाता था, ऐसा रोम में माना जाता था, तो फिर उधर सॉल्ट यूज होता था। उसके बाद नोट यूज हुआ, फिर नोट्स और कॉइन यूज होने स्टार्ट हो गए और बाद। और उसके बाद बहुत ज़्यादा यूज, और अब हम इंडियन टाइप्स नोट्स और इंडियन टाइप्स कॉइन्स की बात करते हैं, सेकेंड टॉपिक। तो हम बात करते हैं इंडियन करेंसी नोट्स की। तो उसमें 13 टाइप्स होते हैं। एक 1 रुपये का नोट होता है, दूसरा 2 रुपये का होता है, तीसरा 5 रुपये का नोट होता है, 10वां 10 का होता है, मीन्स 4वां 10 का होता है, 5वां 20 का होता है, 6वां 50 का होता है, 7वां 100 का होता है, 8वां 200 का होता है, 9वां 500 का होता है, 10वां 1000 का होता है, फिर 11वां 2000 का होता है, फिर 12वां 5000 का, और 13वां 10000 का। जबकि ले 1000 का नोट, 5000 का नोट और 10000 का नोट आज नहीं मिलते, और आज 10000 और 5000 बहुत कम नोट्स ऐसे मिलते हैं जो कुछ लोगों के पास बहुत पहले से होते, बहुत सालों पहले से उनके पास ऐसे सेव करके रखे होते। कॉइन्स के बारे में अब कॉइन्स, हाँ जरा सा भूल गया था। तो उसमें आता है हम पैसे, और उसमें आना और रुपीस की बात करेंगे, रुपीस कॉइन्स की, इन कॉइन्स की। तो फर्स्ट हम करते हैं पैसा की। फर्स्ट आता है 1 पैसा का कॉइन, फिर 2 पैसा का कॉइन, फिर 3 पैसा का कॉइन, फिर 5 पैसा का कॉइन, फिर 10 पैसा का कॉइन, फिर 20 पैसा का कॉइन, फिर 10 पैसा का कॉइन, फिर 20 पैसा का कॉइन, फिर 25 पैसा का कॉइन, फिर 50 पैसा का कॉइन, और उसके बाद कहानियों पैसे। और अब हम रुपीस कॉइन्स की बात करते हैं, जिसमें 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन, 10 रुपये का कॉइन और 20 रुपये का कॉइन, जो न्यू कॉइन है 20। और अब आना की बात करते हैं, जिसमें 1, 2 और 4 आना का कॉइन तो पता होगा, ये 2 शायद आपको पता तो नहीं होगा, तो पर इसे 1 1/4 आना और 1/2 आना।